क्रिकेट एसोसिएशन की करते हैं क्योंकि एक और फरमान जारी हुआ है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से और उन तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए जो किसी न किसी तरीके से लोकल लीग्स के साथ जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर में, दोनों संभागों में उनको रोका जा रहा है क्रिकेट खेलने से। और उस समय ये आदेश जारी हो रहे हैं जब बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि आप रजिस्टर्ड हैं JKCA के साथ, जब आप जुड़े हैं तो आपको JKCA जो कहेगा उसी हिसाब से आपको खेलना है। लेकिन इस फरमान के मुताबिक आप अगर लोकल लेवल पर वही खिलाड़ी जो रजिस्टर्ड हैं वो किसी भी तरीके से कोई लीग नहीं खेल सकेंगे, जिसका कड़ा विरोध जम्मू कश्मीर में क्रिकेटर्स कर रहे हैं, वो तमाम स्पोर्ट्समैन कर रहे हैं जो JKCA से जुड़े हैं, कामकाज को बेहतर तरीके से जानते हैं। और इस बीच जो अब तक सब कमेटी का कामकाज था उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और JKCA की उपसमिति का ये आदेश है कि खिलाड़ियों के लिए ये परेशानी का कारण आने वाले समय में बन सकता है, ऐसा क्रिकेटर्स मानते हैं। और JKCA ने जो पंजीकृत खिलाड़ी हैं उनको किसी भी स्थानीय लीग में या उसके साथ न जुड़ने की बात कही है, आदेश जारी किए हैं। और अगर कोई खेलने के लिए जाता है तो वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको उसके बाद JKCA क्रिकेट ना खेलने दे या अपने साथ उसको संबंधित ना ठहराए, तो ये सारी चीज़ें इसलिए युवाओं के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। जबकि JKCA के साथ इन खिलाड़ियों का कोई अनुमन नहीं है जो इस समय कहीं लोकल लीग्स में खेल रहे हैं, ये भी साफ कर दिया गया है। सब कमेटी जिसने ये फरमान जारी किया है, खिलाड़ी इससे परेशान इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसी लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने अंडर 18, अंडर 19 और अंडर 23 खेला है और भारत की टीम तक पहुंचने के भी उनके प्रयास थे, कई लोग जो IPL तक पहुंचे। लेकिन अगर वो लोकल लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं तो क्या JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से वो अलग हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब कमेटी ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन ये ज़रूर कह दिया गया है कि जितने लोग लोकल लीग्स खेल रहे हैं, जितने क्रिकेटर्स इस समय आपको व्यस्त टूर्नामेंट्स में लीग्स में अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे होंगे, उनका कोई लेना देना JKCA से नहीं है, जिसके बाद विरोध जम्मू कश्मीर के अंदर JKCA के इस नए फरमान पर शुरू हो गया है। इस बीच आपको बताएं कुल मिलाकर जो कि 1000 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज के समय में भी विभिन्न लीग्स का हिस्सा हैं, चाहे वो जम्मू के अंदर हों, कश्मीर के अंदर हों। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जिन जिन लीग्स के लिए कहीं पर अगर कोई खेलने जाता तो उसके लिए इजाज़त भी देता है, NOCs इनकी तरफ से दी जाती थी। और इस बीच खिलाड़ी कई ऐसे कहते हैं कि BCCI द्वारा जो नियुक्त JKCA की उपसमिति है उसकी तरफ से हर गुजरते दिन के साथ या हर नए दिन के साथ कोई ना कोई ऐसा फरमान जारी कर दिया जाता है जो खिलाड़ियों को प्रभावित करता है। इस बीच इसका परिणाम खिलाड़ियों को बताया जाता है कि स्थानीय लीग न खेलने की अनुमति न देना, इसके परिणाम ये भी हो सकते हैं कि शायद बहुत सारे युवा क्रिकेट से दूर हो जाए और जो प्रोफेशन उनने चुना था उसमें उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्रिकेटर जो स्थानीय लीग से, आज के समय में कई ऐसे लीग हैं जो यहाँ से पैसा कमाते हैं लोकल लीग्स खेलकर, और अगर कहीं पर उनको अंडर 19, अंडर 23, JKCA, रणजी ट्रॉफी, एयरटेल ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कहीं पर खेलने का उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो फिर लोकल लीग्स का हिस्सा बनते हैं और यहाँ से वो किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाकर अपना घर ज़रूर चलाते हैं। लेकिन आज के समय में जो आदेश हैं, जो फरमान हैं, वो ये बताता है कि इन बहुत सारे खिलाड़ियों की जो लोकल लीग्स के साथ जुड़े हैं उनके लिए परेशानी का कारण ये सिर्फ एक पर्चा बन गया है। आबिद पठान हमारे साथ हैं, क्रिकेटर हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आबिद। ये एक्चुअल में ये जो फरमान जारी हुआ है इसका मतलब क्या ये समझे आबिद कि जितने क्रिकेटर्स लोकल लीग्स में इस वक्त खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका JKCA से कोई लेना देना नहीं है, सिरे से इनकार किया जा रहा है इस बात से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगा जी, जहाँ पर हमने अक्सर देखा कि युवाओं की ओर जो जोश है मतलब क्रिकेट के प्रति, लेकिन अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें, जो करंट सिनेरियो है, पर्टिकुलरली हमने देखा कि लोग जो है लोकल से काफी ना एक घुल मिल जाते हैं क्रिकेट की ओर। लेकिन अभी जब हमने देखा एक फरमान आयद हुआ है लोकल लीग्स के माध्यम से, अगर हम बात करेंगे, जो हमने देखा कि लोकल्स पर जो एसोसिएशन की तरफ से बैन हो गई है, मैं अपने एसोसिएशन के उन ऑफिशियल से ये चीज कहना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आप लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर पे क्रिकेट दे रहे हो बच्चों को? प्लेयर्स जो ऑलरेडी कोविड की महामारी से काफी सफर कर रहे थे, और उससे पहले हमने देखा था कि जो यहाँ पे क्रिकेट में जो छांव थी, पर्टिकुलरली वादी कश्मीर में जो क्रिकेट होता था, क्लब क्रिकेट, पर्टिकुलरली क्लब क्रिकेट के माध्यम से चारों ओर से क्रिकेट होता था। लेकिन अब रिसेंटली हमने सुना कि जो नई अभी ओम्बड्समैन जो अभी डिक्लेयर एसोसिएशन जो इन्हें की है, मतलब जो अभी चला रहे,
उन्होंने बैनड किया है जो भी यहाँ पे लोकल क्रिकेट है, बल्कि ये कह सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल तर्ज पे भी कोई क्रिकेटर आज तक निकला है, वो बडिंग क्रिकेटर कोई हो भी या प्रोफेशनलिज्म में कोई क्रिकेटर रहा है, वो लोकल लीग से ही निकला है। लेकिन ये मतलब एक डिफरेंट मुझे लग रहा है कि अचानक से लोकल लीग्स पे इनने जो है बंद किया है, ये मतलब नाकाबिल बर्दाश्त है मेरे। तो अब जिन लड़कों की सिलेक्शन हुई थी, ट्रायल्स जिन्होंने कामयाब किए थे अंडर 23 या बाकी अगर नेशनल लेवल पे वो खेलना चाह रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में जाकर खेलते हैं, तो क्या उनको लोकल लीग छोड़नी होगी, या फिर इसका मतलब ये समझें कि अगर लोकल लीग में कोई इस वक्त बिजी है तो उसको जेकेसीए साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है, जम्मू कश्मीर से कहीं बाहर अगर ले जाना होगा? देखिए बेसिकली बीइंग एज अ प्रमोटर आई कैन से बीइंग एज अ वेलविशर फॉर दिस गेम, मैं काफी वक्त से देख रहा था कि लोकल क्रिकेट की बदौलत ही क्रिकेट जो है एक क्रिकेटर को अच्छा मिलता है। मैं एसोसिएशन की करंट बात कह सकता हूँ, ऑलमोस्ट सीजन खत्म होने को है, अभी तक उन्होंने एक टूर्नामेंट वहां पे जो लोकल तर्ज पे लोकल नॉन एफिलेटेड एफिलेटेड क्रिकेट की तो बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद एफिलेटेड जो क्लब है उनको साइडलाइन किया है। और रही बात अगर उन्होंने कुछ कैंप्स किए या टैलेंट हंट के माध्यम से और भी कुछ, मतलब मुझे लगता है कि उन लड़कों ने वही एक दो मैच खेले होंगे। ओवरऑल जो सिनेरियो है क्रिकेट का, इससे तो इफेक्ट पड़ेगा। लोकल तर्ज पे जब क्रिकेटर जाएगा, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एक आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, शहबाज जो अभी आईपीएल आरसीबी की तरफ से खेल रहा था, जो भी अपनी स्टेट को मतलब बंगाल से वो रिप्रेजेंट करता और आज वो वादी कश्मीर में लोकल क्रिकेट खेलता है, क्या बंगाल में उसको बैनड आउट किया है किसी जगह? कहीं पे भी बैनड आउट नहीं होता है, ये एक इंपीरियलिज्म होता है। और मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको आप जहाँ से भी क्रिकेट दे सकते हो दोगे, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बातें करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आज तो 3 साल 2 साल 2.5 साल से ऑलरेडी कोविड से। तो अभी एक चीज और भी बताइएगा, प्रोफेशनल कोचेज हमारे पास हैं, ट्रेनर्स हमारे पास हैं, हमारे पास वो तमाम लोग हैं जो क्रिकेट को चलाते हैं, लोकल लेवल पे क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए बहुत कोशिशें की और कुर्बानियां दी उन लोगों ने, क्या इस फरमान के तहत उन लोगों पर भी पाबंदियां लगने वाली हैं, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या फिर सिर्फ खिलाड़ियों तक ही ये महदूद है? देखिए ऑफ कोर्स आपने एक अच्छी बात छेड़ी, फिर इंसान सब डरा डरा सहमा सहमा रहता है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर लोकल्स के मुकाबले में मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बीसीसीआई से अभी ताल्लुक रखने वाले हैं उनका तो चलाने का एक डिफरेंट सिस्टम मेरे को लग रहा है। मैं ये चीज से मतलब परहेजगार रहता हूँ कभी कभार बोलने से कि अगर यहाँ पे लोकल क्रिकेट ना होगा तो यहाँ पे क्रिकेट पॉसिबल है नहीं। और रही बात जैसे कि आपने प्रोफेशनल कोचेस की बात की, यहाँ पे ये भी मालूम नहीं होता कि एक साल फोन हो जाएगा कोच और दूसरे साल, अभी टैलेंट हंट की बात कह सकता हूँ मैं, टैलेंट हंट में हमने देखा कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोचेस लेके, ये हक नहीं बनता हर एक इलाके में कोचेस है, उनको बोलो अपने अपने तरीके से कोचेस कैंप करो, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, ताकि वो लड़के जो है लोकल जो क्लब वगैरह नहीं पहुंच सकते उनके लिए अपने इलाके में एक प्लेटफॉर्म रहेगा। लेकिन आप अचानक से बिल्ड आउट करते हो, ताकि अगर यहाँ पे ये देख सकते हैं एक मिसाल, यहाँ पे फ्रेटर्निटीज ने क्राइम की है, उनकी बदौलत आज लग रहा है लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। सिलसिले में आपकी तरफ से जो प्रोफेशनल्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, आप नेशनल लेवल तक गए हैं, आपने क्रिकेटिंग बॉडीज के साथ या क्रिकेटिंग बॉडी के साथ ये इशू उठाया है जेकेसीए के साथ कि इसके ये नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, इससे खिलाड़ियों का जो मनोबल है उनका कॉन्फिडेंस है वो और नीचे गिरेगा, जो अभी हाल के दिनों में हम देख रहे थे कि कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने वाले नौजवान थे, उम्मीद ये थी कि इस सीजन में वो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अगले सीजन में शायद वो रणजी तक भी जाएं, लेकिन इसको लेकर कोई बात हुई अभी तक कंसर्न अथॉरिटी के साथ आपकी तरफ से खासतौर और जो बाकी एसोसिएशन हैं स्पोर्ट्स पर्सन की? देखिए बीइंग एज अ क्लब, मैं जो क्लब चलाता हूँ वो एक एफिलिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्लब है और इन्होंने क्लब्स भी अभी साइडलाइन किए हैं, तो बात अगर करें तो किसके साथ करें? अब एक एक चीज है, सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हो कि एक सेट ऑफ एग्जांपल होती है, अगर आपके पास यहाँ पे 200 टीमें, आप 200 टीमें कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप पे इनके टूर्नामेंट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी काफी वक्त से होता था एफिलेटेड क्लब्स का टूर्नामेंट होता था, उसके बाद जो नॉन एफिलेटेड क्लब्स का होता था। मैं एक बड़ी एग्जाम्पल सेट ऑफ करने दूंगा, यहाँ पे आज तक जो भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर में परवेज रसूल जैसे बने, वो भी तो क्लब क्रिकेट से निकला है, जब उसने क्लब में बहुत सारा खेला है, बहुत सारे ध्रुव महाजन, अश्वनी गुप्ता, जो भी आज प्रवीण बगो साहब हमारे एसोसिएशन में, क्या उसने क्लब रिप्रेजेंट नहीं किया? वो 10-10 मैच क्लब में खेलते थे और उनको तो कभी बैनड आउट नहीं होता था। मिथुन मना साहब जो हमारे अभी करता धरता है एसोसिएशन के, जो रन कर रहे हैं, वो भी एक वक्त पे यहाँ पे कॉर्पोरेट क्लब क्रिकेट ही खेलने आता था, कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे,
काफी टूर्नामेंट, 3 साल 4 साल पहले भी उसने 1-2 टूर्नामेंट यहाँ पे खेले थे, लेकिन आज उनका क्या मतलब मुद्दा वो मकसद है कि अचानक से यहाँ पे बंद करना कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो भी टूर्नामेंट है या नॉन एफिलिएट टूर्नामेंट? देखिए नॉन एफिलिएट टूर्नामेंट तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ क्रिकेटर थे और आबिद पठान जो की JKCA के साथ जुड़े भी हैं, लेकिन JKCA से ही अब जो नया फरमान जारी हुआ उसका विरोध भी शुरू हो गया है दोनों संभागों में, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक पड़ने वाला है। आने वाले कुछ दिनों के दौरान आप देखेंगे बहुत सारे क्रिकेटर्स खुद को लीग से दूर करते हुए नजर आएंगे इस आदेश के बाद, इस फरमान के